असली जिंदगी में इनकी मोहब्बतों के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन रणबीर कपूर बार बार यही कहते हैं कि कोई प्यार ना करे। और तो और अनुष्का शर्मा भी इन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगी है। दोनों ने मोहब्बत को बुरा बताने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। एक सॉन्ग है, मोहब्बत बुरी है बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। तो आप लोगों को कितना बीमारी हो, क्या आप लोग को कोई बीमारी? आई थिंक जो लिरिसिस्ट है वही कहना चाहती है, कभी कभी ठीक आती है कभी कभी। और जिम्मेदारी कितना ले रहे हैं? जिम्मेदारी नहीं, मैं बोल रहे बीमारी, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि जैसे अगर आपको बुखार हो या आपको डेंगू हो गया, तो वो बीमारी से आप लेट जाते हो बिस्तर पे, आपको कुछ नहीं करने का मन होता, आप लेजी हो जाते हो। तो मोहब्बत भी ऐसी चीज है कि जब मोहब्बत में कोई पड़ जाता है, तो जैसे पहले एक गाना था लवेरिया हुआ, वो भी एक बीमारी जैसा है, बड़ी अच्छी बीमारी। ये ऐसी बीमारी है कि आपको इस बीमारी से बाहर नहीं आना। तो ये हमारी जो लिरिसिस्ट है अमिताभ भट्टाचार्य, हम वो यही कहना चाह रहे थे इस गाने के जरिए कि मोहब्बत बुरी बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। This is not the first time Ranveer is complaining about being in love. कुछ दिन पहले भी उन्होंने इश्क को यूं ही ताना मारा था। I think in a fun way मोहब्बत है एक बीमारी, because आप बीमार पड़ जाते हो, you are just in that state. तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है, because you cannot come out of that state. तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी। What's the matter, Ranveer Anushka? We think Katrina and Virat need to speak on your complaints about love.